Very good morning to everyone. So this is Ashtana Is and you are at prelims 2023 1.5 year current affairs में आपका स्वागत है, जहाँ पे मैं देवराज जोर्मा आपको जन 2022 से लेकर जून 2023 के करंट अफेयर्स यहाँ पे डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको करवा रहा हूँ, राइट. सो बिफोर स्टार्ट काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर. एंड बिफोर स्टार्ट ऑल्सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट ये 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स, जैसे इसके अंदर कंप्लीट कवरेज किया जाएगा 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स 2023 के लिए, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है. अल्टरनेट डेज इसके अंदर क्लास होती है, वीकली एमसीक्यू टेस्ट होता है, एक एमसीक्यू टेस्ट हो गया है. कहाँ मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा टेस्ट का. टेस्ट दीजिए और बताएं कितने मार्क्स आपके आए हैं. और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इट्स टेस्ट का डिस्कशन मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो. मतलब टेस्ट का डिस्कशन शुड बी देयर, अदरवाइज आप लोग मैनेज कर लेंगे. जल्दी से बताएं एक बार, ठीक है, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट. बट बिफोर स्टार्ट काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट. जस्ट गिव मी थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल कंप्लीटली, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर, राइट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखिए इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पर मेन्स के करंट अफेयर्स पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है और उसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है. 8:15 AM पर ये क्लास होती है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें, दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, है ना. जैसे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स है तो मेंस के करंट अफेयर्स अपने यहाँ पर पढ़ा देते हैं, क्या लिखना चाहिए कॉपी के अंदर, ठीक है, एक्जैक्टली क्या लिखना चाहिए कॉपी के अंदर, ये सारा का सारा डायमेंशन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं. जिस पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा का पूरा यहाँ पर डायमेंशन बताते हैं, राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा नामक एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके अंदर 12,000+ सब्सक्राइबर हैं. आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है, इसको ज्वाइन करें. और क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यू कोर्सेज, ठीक है, रिलेटेड टू न्यू फ्री कोर्सेज, ठीक है, सारी की सारी फ्री कोर्सेज की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. एक यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप सीरीज भी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक विंक सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है. ये वर्ल्ड मैप सीरीज भी आप ज्वाइन करें, राइट. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है. हे देवी हमें शक्ति दो, क्या दो, कि अफगानिस्तान में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको हम बचाकर ला सके. तो ऐसा आ सकता है ऑपरेशन देवी शक्ति रिसेंटली इन द न्यूज़, बताओ क्या है ये. 4-5 आपको ऑप्शन दे सकते हैं, पर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो लोग बचे हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन जो कराया, दैट इज नोन एज ऑपरेशन देवी शक्ति. आई होप दिस इज क्लियर. 1-लाइनर क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है. क्या है साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन है, बीइंग कंडक्टेड बाय हूम, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट, टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम द अफगानिस्तान सिंस तालिबान टेक ओवर. तालिबान जब से अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इनस्टेबिलिटी क्रिएट है, तो वहाँ से हमारे लोगों को निकाल कर लाएं, जिससे कि हमारे जो लोग फंस गए हैं वहाँ पर, वहाँ से निकाल कर लाएं. दैट इज नोन एज हे देवी हमें शक्ति दें कि हम अफगानिस्तान में अपने फंसे हुए भाईजनों को निकाल कर लाएं, ठीक है. ये लाइन आपको याद रखनी है, राइट. चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नैरोबी डिक्लेरेशन. नैरोबी डिक्लेरेशन जो है, अभी ऐसा हो सकता है रिसेंटली ये नैरोबी डिक्लेरेशन इज इन द न्यूज़, बताओ क्या है ये. तो देखिए क्या है कि भाई आपने मान लीजिए कि घर बनाया अपना, ठीक है ना, और नीचे अर्थक्वेक आ गया, हिल गया पूरा, घर टूट गया, बिखर गया, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, लाइफ का लॉस हो सकता है, ठीक है, जीडीपी का लॉस हो सकता है, राइट, बहुत सारे, है ना. और अपन कह सकते हैं इनोसेंट लोग जो हैं वो फंस सकते हैं इसके अंदर, घर के अंदर. आपका पूरा का पूरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, कल को घर था आपके पास, आज घर नहीं है, ठीक है. ये सब, इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क है, दैट इज नोन एज सेंडाई फ्रेमवर्क. सेंडाई फ्रेमवर्क अभी क्या है कि नैरोबी डिक्लेरेशन में क्या है कि अफ्रीकन मिनिस्टर्स जो है, सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये डिसाइड कराया कि हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए काम आएगा. सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ तक समझ लो कि ये नैरोबी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है. नैरोबी डिक्लेरेशन इज डिक्लेरेशन बाय द अफ्रीकन कंट्रीज, सारी अफ्रीकन कंट्री बोलते हैं कि हम अफ्रीकन कंट्रीज ये प्रण लेते हैं कि हम सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, ये बताऊंगा अभी, सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसको क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, भरसक कोशिश करें. तो नैरोबी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू सेंडाई फ्रेमवर्क. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. तो यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली नैरोबी डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय द अफ्रीकन मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ द डेलीगेशंस, ठीक है. और ये क्या है, एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क को हम अफ्रीका के अंदर लागू कर सकते हैं, है ना. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नैरोबी और सेंडाई इस तरह से आपको देखो, कोई है ना डाई हो गया, मर गया, ठीक है, सेंडाई, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई मर गया, डाई, है ना, समझ में आ रहा है, अर्थक्वेक से मर गया. तो नैरोबी, नैरोबी मतलब ना रो, ठीक है, रो मत, राइट. सेंडाई याद हो जाएगा, इस तरह से याद करने की कोशिश करना, एग्जाम के अंदर कभी कभार दिक्कत आ जाती है ना, ट्रिक बताएं तो मत रो, सेंडाई, ये डाई हो गया, ये पर्सन डाई हो गया, मत रो और डिजास्टर आगे से ऐसा कुछ लॉस ना हो, लाइफ का लॉस ना हो, इसलिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए मेजर्स को अप्लाई करो। ये कौन बोल रहे हैं? ये अफ्रीकन कंट्रीज वाले बोल रहे हैं मिलकर। याद हो जाएगा, इज दिस क्लियर? ट्रिक याद रहेगी, ना रो मतलब मत रो, है ना। नारोबी डिक्लेरेशन आ जाएगा तो कैसे कोई मर गया है, डाई हो गया है, क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आ गया था नीचे, घर गिर गया, इस तरह से। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है ना बच्चों करना पड़ेगा ये सब चीजें, बिकॉज इससे ही तुमको याद रहेगा, है ना, और क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, क्विकली याद रहेगा। नैरोबी डिक्लेरेशन, नारो, अच्छा किस लिए मर गया था कोई, कहाँ से क्या आएगा याद, सेंडाई फ्रेमवर्क याद आ जाएगा, सेंडाई डाई डाई, है ना, इस तरह से। प्रोग्राम ऑफ एक्शंस आउटलाइंस हाउ अफ्रीकन एम्स टू इंप्लीमेंट सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन द कॉन्टिनेंट, किस तरह से वो सेंडाई फ्रेमवर्क को कॉन्टिनेंट में लाएंगे। तो देखो 2015 से लेकर, अब सेंडाई फ्रेमवर्क बताया, 2015 से लेकर 2030 तक एक फ्रेमवर्क बना रखा है, ठीक है, एक सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि किस तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए कि हमको 2015 से 2030 से क्या चीज करनी चाहिए जिससे कि हम डिजास्टर समझ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है, जैसे जमीन हिल गई, अर्थक्वेक आ गया, या फिर मान लीजिए फ्लड आ गया बहुत सारा, राइट, इस तरह के जो डिजास्टर्स होंगे उनसे कैसे बने, साइक्लोन आ गया, घूमता घर घूम गया तुम्हारा पूरा, ठीक है, इस तरह के जो डिजास्टर्स होंगे उसको किस तरह से रिड्यूस करें, राइट, ये है। तो देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फॉर ए पाथवे इन गाइडिंग कंट्रीज एंड कम्युनिटी टू सब्सटेंशियली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द शॉक्स कॉज बाय द नेचुरल एंड द ह्यूमन इंड्यूस हजार्ड्स बाय 2023 कंपेयर टू 2015 से 2005 से 2015 तक एक ह्यूगो फ्रेमवर्क, ठीक है, ह्यूगो फ्रेमवर्क के बाद आया सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर 2030 तक का है, ठीक है। तो अभी अफ्रीकन कंट्रीज ने सिर्फ, अब सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो बताओ मुझे किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा मैं से बोलूं बताओ सेंडाई फ्रेमवर्क के क्या ग्लोबल टारगेट्स हैं? सर ये तो पता नहीं, ग्लोबल टारगेट्स क्या है ये बताओ। 7 टारगेट्स हैं इसके, ग्लोबल टारगेट, तो 7 टारगेट अभी आपको याद करा रहे हैं, ध्यान से सुनकर ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ये समझो कि कोई भी अर्थक्वेक आता है या फ्लड आती है, साइक्लोन आता है, कोई भी डिजास्टर आता है, क्या हो सकता है? मौत हो सकती है आदमी की, मौत, है ना, एक मौत हो सकती है, पहला पॉइंट। अब देखो कैसे याद करते हैं अपन सेंडाई फ्रेमवर्क को, नहीं तो रटते रह जाओगे, क्या 7 चीजें हैं, क्या 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं, वो समझो। पहला मौत होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा मान लीजिए मौत नहीं हो पाई, आदमी का पैर टूट गया, ठीक है, एक पैर टूट गया आदमी का, इस तरह से हो सकता है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है कि अफेक्ट कर सकता है लोगों को, है ना। तीसरा जो होगा वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि भाई अपन ने तो पूरा मस्त डेवलपमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मोदी जी ने पूरा डेवलपमेंट कर दिया, एकदम से क्या हुआ, भरभरा के अर्थक्वेक आया और सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा जीडीपी का बैंड बज गया। तो जीडीपी तो रिड्यूस, 4 चीजें रिड्यूस करनी है। पहले मौतों को रिड्यूस करो, रिड्यूस अफेक्टेड पर्सन को रिड्यूस करो, ठीक है। और तीसरा क्या है? जीडीपी जो है ना उसका जो डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस है जीडीपी से रिलेटेड उसको रिड्यूस करो। चौथा चीज क्या है? चौथा चीज ये है कि हमने ना जैसे डिजास्टर आता है ना तो फोन वोन सब बंद हो जाता है ना, ये फोन जो होता है, बिजली जो होती है, बिजली सब चलेगी, फोन वोन चले, डिजास्टर तो डिजास्टर, उसके ऊपर ये डिजास्टर और बिजली भी नहीं आ रही, पंखा भी नहीं चल रहा, ठीक है, और ऊपर से ये है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, सब कुछ टूट गया है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी कम करो, उसका डिस्ट्रप्शन कम करो, जीडीपी जो रिड्यूस हो जाती है उसको कम करो, है ना, आदमी जो इफेक्ट हो रहा है, ये याद हो जाएगा। 4 टारगेट्स, ग्लोबल टारगेट्स 4 याद हो जाएंगे, ठीक है। इन चीजों को तो रिड्यूस करना है, 4 चीजों को रिड्यूस करना है। हम आपको बता रहे हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के ग्लोबल टारगेट्स क्या है 2030 तक, इन सबको रिड्यूस करना है। देखो अब कितनी अच्छी तरह से याद हो गया। आदमी, मौत से आपने ये याद कर लिया, एक लंगड़ा हो गया आदमी, ठीक है, उससे ये याद कर लिया आपने। सर मैं रिड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू जीडीपी, ये याद हो गया, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रिड्यूस करो। 4 चीजों को तो रिड्यूस करिए, 7 है टोटल, 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं। बाकी देखते हैं 3 को, अगर 3 देखेंगे तो इंक्रीज नंबर ऑफ कंट्रीज विद द नेशनल एंड द लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी। अब इंक्रीज करो नंबर, लोकल और डिजास्टर स्ट्रेटेजीज जो है उसको इंक्रीज करो, ठीक है, डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटेजी को। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाओ। और तीसरा यह है कि मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आओ और इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाओ और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजीज। बस ये 3 चीजें हैं। ये 7 चीजें मिलकर हो गई है ग्लोबल टारगेट, 7 ग्लोबल टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय द 2030। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, जल्दी से बताएं। तो हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा मेन टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी मतलब मत रो, है ना, क्यों? डिजास्टर आ गया था तो उसके कारण रो रहे, ठीक है ना, डिजास्टर आ गया था मत रो। सेंडाई, सेंडाई हो गया था, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो नैरोबी से सेंडाई फ्रेमवर्क में, सेंडाई फ्रेमवर्क में हमने देखा कभी भी डिजास्टर आता है तो मौतें होती हैं या फिर किसी को इफेक्ट कर देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इफेक्टेड, तो उसको कम करना है, मौतों को कम करना है, ठीक है, प्लस जीडीपी डिक्रीज हो जाती है, जीडीपी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है तो उसको कम करना है। और चौथा ये है कि भाई अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोन, टेलीविजन, टीवी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इससे अपन सेंडाई फ्रेमवर्क से इससे ये चीज समझ सकते हैं। प्लीज टेल मी दैट दिस इज क्लियर और नॉट, है ना। इंक्रीज करना है कि अपन को इंटरनेशनल कॉपरेशन, डिजास्टर आएगा तो दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, प्लस हमको क्या करना है, स्ट्रेटेजीज बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को लेकर आना है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2022 की न्यूज़ है, ठीक है, और यहाँ पर मोदी जी गए हैं कहाँ पे, एक बुद्धिस्ट स्पॉट के ऊपर जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण स्तूपा। महापरिनिर्वाण स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या करें, आपने मतलब महापरिनिर्वाण मतलब जो है, मान लीजिए कोई एनलाइटेड पर्सन है, बुद्धिज्म में ऐसे कहते हैं, तो उनकी मौत को, है ना, मौत जब हो जाती है उनकी तो मौत को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मौत को सेलिब्रेट कराया जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको निर्वाण मिल गया है, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, उसको एक तरह से जैसे बुद्ध की डेथ हुई तो उनको बोला गया कि उनको महापरिनिर्वाण मिल गया है, मतलब मुक्ति मिल गई संसार से, क्योंकि एनलाइटेड पर्सन को मुक्ति मिल गई। भाई आप और मैं, मेरे मरने पर महापरिनिर्वाण दिवस नहीं मनेगा, ठीक है, कोई एनलाइटेड पर्सन जो होगा, ठीक है, जिसको पूरा ज्ञान हो गया है, तो अब तो उसकी मुक्ति बस एक बार, अगली बार जन्म नहीं लेगा, लाइफ और डेथ के चक्र से वो बाहर आ गया है, ठीक है, इस बार तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है कि उसको निर्वाण, पूरा का पूरा निर्वाण मिल गया, पूरी पूरी मुक्ति मिल गई उसको, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण स्तूपा को विजिट करा किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए यही न्यूज के अंदर है, राइट। अब देखो बुद्धा जो मरे थे ना, तो बुद्धा को मरते हुए बहुत खुशी हुई थी, है ना, बहुत खुशी हुई थी कि अब मैं मर रहा हूँ और अब वापस से इस लाइफ के अंदर आना नहीं है, क्योंकि मैं तो एनलाइटेड पर्सन हूँ, तो मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा नहीं, ठीक है, तो बहुत खुशी हुई थी। तो कहाँ पर, कुशीनारा, कुशीनारा कि मैं नहीं रहा इसकी मेरे को खुशी हो रही है, ठीक है, कुशीनारा, इस तरह से बोलते। तो कुशीनगर, है ना, कुशीनगर, कुशीनगर जो है वो एक स्पॉट है जहां पर बुद्धा की डेथ हुई थी, राइट। तो आप देखिए कुशीनगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट्स एंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट एज लॉर्ड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण है, यहीं पर इनकी मौत हुई थी। तो यहाँ से कुशीनगर से याद कर लोगे, है ना, बुद्धा की कहाँ डेथ हुई, बुद्धा को बहुत खुशी हो रही थी ना, भाई अब तो मौत हो रही है, अब महापरिनिर्वाण मिलेगा, अब तो मुक्ति मुक्ति, अब वापस संसार के अंदर आना नहीं पड़ेगा, इस संसार की मोहमाया में फंसना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लाइफ और डेथ के चक्र, जरा और मरण का चक्र जो है उससे मैं बाहर निकल गया हूँ, तो खुशी हो रही है, खुशी के मारे फूला नहीं समारे, और उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा ये साइट जो थी ना, कितनी इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे बुद्धा मरे हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्तूपा। इस साइट को ढूंढने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ना, उन्होंने इस साइट को ढूंढा 1877 के अंदर, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि बुद्धा जी मरे कहाँ थे, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, महापरिनिर्वाण इन बुद्धिज्म रेफर्स टू द अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाण, ठीक है, निर्वाण है एवर लास्टिंग हाइएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस, और ऐसा होगा महापरिनिर्वाण मिल रहा हो तो आदमी खुश रहेगा, खुशी, खुशी नगर, ठीक है। Entered by awakened beings at the moment of physical death, जब उनकी awakened man की, है ना, आपकी और मेरी नहीं, awakened man होना चाहिए, ठीक है, जिसको क्या, नहीं तो हम तो क्या, हमको तो वापस आना पड़ेगा संसार के मोह माया के चक्र में, हमारा जरा मरण तो चक्र खत्म नहीं हुआ। पर इनका ऐसा माना जाता है कि महापरिनिर्वाण बुद्ध जैसे एनलाइटेड पर्सन का जरा मरण चक्र टूट गया है, अब उनको वापस से इस संसार के अंदर आने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखिए द साइट ऑफ कुशीनगर वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर Alexander Cunningham in 1877, the first Director General of Archaeological Survey of India. This can also be the question in the prelims examination. Prominent archaeological site in the cities are the Mahaparinirvan, Kushinagar के अंदर अगर हम देखें महापरिनिर्वाण स्तूपा है, and मुक्ताबंधन स्तूपा भी है जिसके अंदर, जो कि क्रिमेशन साइट है किसकी, बुद्धा की, राइट। मरे कहाँ थे वो, डेथ कहाँ हुई थी, डेथ हुई थी कुशीनगर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर महापरिनिर्वाण स्तूपा और क्रिमेशन साइट जहाँ पर उनको बरी किया गया है वो है मुक्ताबंधन स्तूप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगे है लीड इट, ठीक है, लीड इट मतलब लीड इट, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इट, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडिट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है। और एक्चुअली लीड का मतलब क्या है यहाँ पर, लीड का मतलब है लीडर, ठीक है, लीडरशिप है ना, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्री का ट्रांजिशन। अब इंडस्ट्री का ट्रांजिशन कैसे होगा भैया साहब, एक है ना इंडस्ट्री यहाँ पर खुली हुई थी, वो धुआं निकाले जा रही, बहुत तगड़ा धुआं निकाल रही है, ठीक है, तो उसको भाई तुम कम धुआं निकालो, इसके अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। कि लीडिट का मतलब क्या है कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इंडस्ट्री का ट्रांजिशन कम से कम हो। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अगर हम देखेंगे 100 अगर मान लो CO2 निकलती है संसार के अंदर, ये भी डेटा याद रखना बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 100 CO2 निकल रही है संसार के अंदर, तो उसके अंदर से 30 जो होगी ना वो इंडस्ट्रीज के अंदर से निकलेगी, 30 जो होगी वो इंडस्ट्रीज के अंदर से निकलेगी, CO2 मतलब 30% CO2 का इमिशन कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है। ओ माय गॉड सर, अच्छा 30% CO2 का जो इमिशन है वो क्या आ रहा है, वो इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो हमें क्या है, इंडस्ट्रीज को अगर हम ढंग से कर ले, अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर पॉल्यूशन ना फैलाए, ठीक है, इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैलाना बंद कर दे तो 30% CO2 इमिशन रिड्यूस हो जाएगा, सोच कर देखो, है ना। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि भाई लीडिट के अंदर लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये जो है ये एक तो किसने स्टार्ट करा है, ये समझो कि इंडिया की पहल है। सर इंडिया है ना बहुत सारी पहल करता है इसके अंदर, इंडिया और स्वीडन, स्वीडन विल गिव यू लीडिट, इसको याद कर लो लीडिट, ठीक है, लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, इंडिया प्लस स्वीडन इज गिविंग यू द लीडिट। अब लीडिट के अंदर ये समझ में आ गया। अब इसका क्या है, इनका ये है कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको कम से कम हम करें, ठीक है, इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन को कम से कम करें। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टुगेदर, और इनकी मदद कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कि भाई तुमको पैसा लगेगा इसके अंदर, तो पैसा वैसा मैं थोड़ा सा तुमको प्रोवाइड करूँ। इंडिया प्लस स्वीडन विल गिव यू लीड इट एंड हेल्प बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया प्लस स्वीडन विल गिव यू लीड इट, ठीक है, लीडरशिप ग्रुप फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, एंड यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्पिंग यू, सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इतना याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करे थे हम, दो जने स्टार्ट करे थे, पर जैसे आगे आगे चलते रहे तो कारवा बनता रहा। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया एंड स्वीडन रिसेंटली होस्टेड द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन डायलॉग इन द स्टॉकहोम एज ए पार्ट ऑफ देयर जॉइंट इनिशिएटिव दैट इज लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीडरशिप है ना। तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन अगर हम देखें, कमिटेड है टू एक्शन टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या था कि 2015 के अंदर सारी कंट्रीज मिली, बोली कि भाई साहब ऐसा तो है ना गजब हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे जिससे कि हम क्या कर सके, इस क्लाइमेट चेंज को रोक सके, नहीं तो भैया गजब हो जाएगा, सभी सब समुंदर के अंदर समा जाएंगे, क्लाइमेट चेंज तो बहुत ही भयंकर तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज मिली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर, और सब ने कुछ कुछ वॉलंटरी डिक्लेरेशन करे कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, भारत ने भी करे कुछ डिक्लेरेशन, और उनका 2030 तक हम इस तरह की चीज़ें हम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए लीडरशिप ग्रुप यही है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसमें इंडिया और स्वीडन बोल रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, जो तुमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो एक्शंस के लिए बात करी थी, जो तुम्हारे नेट डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, उन सबको तुम अचीव करो हे दुनिया वालों, राइट, इस तरह से बोलो। इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एट यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट इन सितंबर 2019 एंड इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट है ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को तो हम समझ गए। अच्छा ये बताओ नैरोबी जल्दी से बताओ, नैरोबी डिक्लेरेशन जल्दी से बताएं सभी बच्चे, एक बार बताएं जल्दी से, ठीक है। और जो बच्चे बहुत ही ज्यादा समझ चुके हैं वो सेंडाई फ्रेमवर्क के शॉर्ट के अंदर सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 टारगेट्स लिख के बता दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। नारो भाई क्यों, क्योंकि डिजास्टर है ना, तो ये सब कुछ बताओ, राइट, सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 टारगेट्स बताओ, सभी बच्चे लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि लीडरशिप ग्रुप फॉर IT, ठीक है, IT मतलब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में समझ लेना। तो अब ये कंट्रीज हैं इसके अंदर, ये देख लो ये कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर देखिए लीडिट मेंबर सब्सक्राइब टू द नोशन दैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, जो धुआं निकाल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कोयला यूज़ करके धुआं निकाल रही है, इनको किसी तरह से मनाएं कि भैया देखो तुम क्या करो, तुम ज़्यादा कार्बन वाले इमिशंस मत करो, तुम्हारी एनर्जी किसी और चीज़ से ले लो तुम, ठीक है। और इसको बोला जा रहा है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन करें, नेट जीरो कार्बन इमिशन, कि अगर तुम मान लो नेट जीरो कार्बन इमिशन करें बाय 2050। अब नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब क्या है, मान लो कि एक इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री है तो भाई धुआं तो निकालेगी, नेट जीरो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि अच्छा चलो तुम धुआं निकालो, पर है ना धुआं निकालो तुम 100 धुआं निकालो, पर उतने पेड़ भी लगा दो, उतने पेड़ भी लगा दो कि धुआं को ऑब्जर्व कर ले, मतलब जीरो, नेट जीरो हो जाना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें भी कर दो जिससे कि क्या हो, जिससे कि ये धुआं जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, समझ में आ रहा है कि धुआं निकालना जरूरी है। तो नेट जीरो आप टारगेट है इसका, लीडिट का नेट जीरो टारगेट है 2050 तक, नेट जीरो टारगेट है, समझ में आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट बोर्ड इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्वीडन, इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके अंदर से मैनेजमेंट बोर्ड बना। सेक्रेटरीट जो सचिवालय है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वर्क ऑफ द लीडरशिप ग्रुप एंड इज होस्टेड बाय द स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हम ये देखेंगे एक फैक्ट कि इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो 30% ऑफ टोटल CO2 इमिशन करती हैं, और यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज को, पेरिस एग्रीमेंट जो है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है उसको फॉलो करने की बात करी। सर एक बात बताओ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ना, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, इसके अंदर इंडिया ने भी कुछ बताए होंगे कि हम भी ऐसा कर लेंगे, हम भी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे 2030 तक। तो हमें ये तो याद करना ही चाहिए सर 2030 तक हम क्या क्या कर लेंगे, है ना। तो हमने क्या बताया 2030 तक क्या क्या कर लेंगे, हमने कहा कि देखिए 2030 तक हम इमिशन इंटेंसिटी का रिडक्शन 33 से 35% कम कर लेंगे, मतलब 2050 के अंदर मान लो 100 थी तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 67 कर लेंगे, 33 से 35% हम कर लेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा हमने कहा कि शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है ना उसको इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, नॉन फॉसिल फ्यूल जो है उससे 40% हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा हमने कहा कि कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे। पर आप जानते हैं क्या सर इंडिया ने इसके ऊपर अच्छा काम करा? यस, इतना अच्छा काम करा कि अब हमें और मस्ती आ गई, हमने कहा अब हम अपडेट कर रहे हैं इसको, मतलब जो 33 से 35% था ना हमारा, क्योंकि 24% तो 2016 के अंदर ही कंप्लीट हो गया और अभी तक 30% तो कंप्लीट हो गया, तो अभी 2030 में, तो अभी तो क्या है 2030 में वक्त है, तो हम इसको 45% कर लेंगे। तो हमने अपने टारगेट अचीव ही ना करके हमने अपडेट भी कर दिया, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। कई लोगों से टारगेट, खुद के टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहे, हमने टारगेट कंप्लीट तो कर ही दिए, कई टारगेट तो हमने मतलब कंप्लीट करने के टाइम पर आए रहे, तो हमने अपडेट कर दिया कि भाई हम ज्यादा करेंगे, 50% फॉसिल फ्यूल वाला कर दिया, ठीक है। अभी हम 41.5%, देखो ये टारगेट तो अचीव भी हो गया और इस टारगेट के अंदर 41.5% हो गया था, और क्रिएशन ऑफ 2.5 ये इसी तरह से सेम है। तो अभी कोई पूछा जाए तुमसे तो आप ये बताएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने टारगेट, कुछ लोग तो टारगेट कर ही नहीं पा रहे हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग एक कदम आगे, एक कदम आगे, मतलब क्या है कि हम इस तरह से आगे बढ़कर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज योर लिविंग लैंड चार्टर। लिविंग लैंड चार्टर का मतलब क्या है कि जो आप लैंड रह रहे हैं, है ना, वो फ्यूचर जनरेशन के काम आए, ठीक है, कि भाई तुमने मान लीजिए तुम जिस लैंड पे रह रहे हो, ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद ऐसा होता है कि लैंड की ऐसी हालत कर दी कि तुम्हारे बच्चे तो रह ही नहीं पा रहे इसके अंदर, पूरी बंजर भूमि लगा दी तुमने इसके अंदर, ना प्रोडक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो तुम रह रहे हो, ठीक है, अभी तो हम रह रहे हैं, पर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या देकर जाएंगे, समझ में आ रहा है कि फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे रोटी कपड़े के लिए तरसेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए लैंड ठीक नहीं रही तो ना उसमें से फूड प्रोडक्शन होगा, ना उसमें से कॉटन बनेगा, ना कपड़े प्रोड्यूस होंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना, और GDP तो और डाउन हो जाएगी इंडिया की, राइट, और बाहर से हमको और लेना पड़ेगा। तो हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को कैसी लैंड दे, इसके बारे में दिमाग में आना चाहिए ना, हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे आने वाले समय में, वो किस तरह से लैंड में रहेंगे, है ना। तो फ्यूचर जनरेशन को हम रेस्पेक्टिव कंट्रीज ने ये डिसाइड कराया कि लिविंग लैंड दे, कि भाई जीने योग्य हम लैंड दें उनको, समझ में आ रहा है, ये इनिशिएटिव हम कर रहे हैं। तो देखिए ये इनिशिएटिव किसके द्वारा करा गया, कॉमनवेल्थ ग्रुप के द्वारा। कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंदर 54 मेंबर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स, है ना। कॉमनवेल्थ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं लिविंग लैंड चार्टर क्या है। ऑल द 54 कॉमनवेल्थ मेंबर्स हैव एग्रीड टू वॉलंटरी डेडिकेट ए लिविंग लैंड इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज टू फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। इट एम्स टू सपोर्ट द मेंबर कंट्री टू डिलीवर देयर कमिटमेंट्स, जो कि देखिए तीन इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। 1992 के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कन्वेंशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification, ये UNCCD, CBD, CCD एंड UNFCCC, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन तीनों के जो हमने कमिटमेंट्स करे हैं उनको फुलफिल करने के लिए इस तरह से सबसे पहली बात ये लिविंग लैंड चार्टर के अंदर हम बोलेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड बचा के रखेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इसके अंदर जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे वो होगा नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये देख लेना नॉन बाइंडिंग है, ये बिल्कुल ध्यान रखना नॉन बाइंडिंग। तो ऐसे बोले लिविंग लैंड चार्टर के अंदर जो एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग है कि नहीं है, तो नहीं है बाइंडिंग, ठीक है। कौन करवा रहा है? कॉमनवेल्थ ग्रुप करवा रहा है। कॉमनवेल्थ ग्रुप क्या है अभी आपको बताएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहीं पर याद करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस क्लास का ये पर्सपेक्टिव है कि आपको यहीं पर क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तो लिविंग लैंड चार्टर इज ए टेस्टामेंट टू अवर कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस एंड कॉमन एक्शन। और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम कंबाइंड एफर्ट करेंगे जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर जो होगा वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। 2100 तक जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। इस तरह से 54 कॉमनवेल्थ की कंट्रीज मिलकर इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, दैट इज ए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये बिल्कुल याद रखना। सर एग्रीमेंट का नाम क्या है? अभी तो बताया था लिविंग लैंड चार्टर, LLC, लिविंग लैंड चार्टर, ठीक है, एक चार्टर इस तरह से साइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना कॉमनवेल्थ नेशंस जो है, ठीक है, ये कौन से थे कि ब्रिटिशर्स ने सर बहुत लूटा हमें, ठीक है, यस सर, ब्रिटिशर्स ने हमें ही नहीं लूटा, बहुत सारे लोगों को लूटा, समझ में आ रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने जब उन लोगों को, जब हमको डीकोलोनाइजेशन कर दिया सारी कंट्रीज को, तो ऐसी सभी कंट्रीज को अगर हम कहें तो इन सभी कंट्रीज का ग्रुप, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई वैसे तो हमने तुमको कॉलोनी बनाकर बहुत लूटा, तुमको, तुम्हारा सब कुछ है ना, सब कुछ लूट लिया हमने, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम तुम्हें, तुम इतना हमारी पहले कॉलोनी हुआ करती थी, तो हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर तुम सभी लोग पार्टिसिपेट करो। तो सब कॉलोनीज का ग्रुप है, राइट, दैट इज नोन एज कॉमनवेल्थ ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स बहुत सारी एड्स भी प्रोवाइड करते हैं इन कॉलोनीज को, ठीक है ना, इन कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए। तो कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? इट वाज क्रिएटेड इन अर्ली 1900s व्हेन द नेशंस बिगिन टू सीसीड अवे फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू ईज द प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश डिकॉलोनाइजेशन। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, इंडिया जो है कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है और लिविंग लैंड चार्टर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। और अगर हम देखें एक और हमने पढ़ा, एक चीज हमने पढ़ी कि जिसके अंदर हमने बताया कि लीड इट क्या है, ये भी अपन ने समझ लिया। लीड इट स्वीडन और इंडिया ने मिलकर बनाया गया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? यहाँ तक याद होना चाहिए, याद मतलब क्लास के अंदर याद होना चाहिए। PDF डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक PDF का, उससे उधर से डाउनलोड कर देना, ठीक है। अब देखिए एक है रमना काली टेम्पल। रमना काली टेम्पल का अभी हमने क्या करा है, ये है बांग्लादेश के अंदर, सर ठीक है बांग्लादेश के अंदर है, काली टेम्पल है, ठीक है, पर इसका हमने रिनोवेशन करा है। सर बांग्लादेश के अंदर जाकर हम क्यों रिनोवेशन करेंगे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आप देखेंगे यहाँ पर काली टेम्पल है और प्रेसिडेंट यहाँ पर गए हैं अभी हमारे, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इन द न्यूज। 18 दिसंबर की न्यूज है 2021 की, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी इनॉग्रेट कराया, रिनोवेशन करवाया हमने इस टेम्पल का। अच्छा इस टेम्पल के साथ क्या हुआ था सर? रमना काली टेम्पल, रमना काली टेम्पल के साथ क्या हुआ था आप देखेंगे 1971 के अंदर, जो आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था और वेस्ट पाकिस्तान इसके ऊपर दादागिरी करता था, और वेस्ट पाकिस्तान ने आके यहाँ पर बहुत ज्यादा 1971 के अंदर उसके ऊपर अत्याचार करे, ठीक है। इस अत्याचार करने के अंदर इस टेम्पल के ऊपर भी, यहाँ पर टेम्पल को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया वेस्ट पाकिस्तान के आर्मीज ने, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने। और हमने पता है 1971 का वार हमने लड़ा था बांग्लादेश के लिए और उसके अंदर बांग्लादेश को लिबरेशन मिला था, और जब जाकर ईस्ट पाकिस्तान विल बिकम द बांग्लादेश, समझ में आ रहा है। तो उस वक्त ये टेम्पल है ना थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, 1971 के अंदर यहाँ पर जो लोगों का जिनोसाइड हुआ था बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हो गया था, इसलिए हमने क्या करा है, हमने इस टेम्पल को वापस से रिनोवेट करा है। रिनोवेट करना का मतलब एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है ना। और माँ काली का ये टेम्पल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए रिवाइव्ड शिल्ड is considered a symbol of spiritual and cultural bond among the people of India and the Bangladesh. The temple was destroyed by the Pakistani forces during their Operation Searchlight in March 1971, the brutal crackdown that led to the Bangladesh War of Liberation. ठीक है, ये समझ में आता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टेम्पल बना कब था सर? रमणाकाली टेम्पल बना था मुगल के टाइम पर, मुगल इरा, मिडिवल इरा के अंदर बना था. एंड वॉज फेमस फॉर इट्स टॉल स्ट्रक्चर. आप देखेंगे ना तो ऐसे ही देखिए कितना टॉल है ना, गगनजुंबी टाइप का लग रहा है. ठीक है, दूर से देखेंगे बहुत टॉल सा ऐसा टेम्पल जनरली इस तरह से छोटे टेम्पल होते हैं, ये बहुत ऊपर जाके पीक बनाता हुआ टेम्पल है. ठीक है, रमना काली टेम्पल, राइट. और आप यहाँ पर देखेंगे रमना काली टेम्पल के अंदर अभी जो एक डिवोटी है इनके लिए अंदर एक और कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और चीज बनाई गई थी, एडिशनल बिल्डिंग बनाई थी. संत आनंदामयी का भी इसके अंदर एडिशनल बिल्डिंग एक बनाई गई थी. वैसे तो ये महाकाली का टेम्पल है पर सेंट आनंदामयी की भी यहाँ पर बिल्डिंग इसके अंदर इस तरह से बनाई गई थी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये समझ में आ रहा है रमना काली टेम्पल, सबको समझ में आ गया. फिर नेक्स्ट जो है दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है. और ये है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ना वो निकालता है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. ठीक है, और अभी ये जो है एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अभी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाली, मतलब देशों के अंदर देखता है कि भाई देशों के अंदर कितना ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम दिया जाता है. ठीक है सर, हमारा नंबर तो सर इसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा ऐसा लगता है. जिस तरह हमारी प्रेस देखते हैं आजकल हम, तो प्रेस तो बिल्कुल प्रेस करके रख रखा है प्रेस को तो, राइट. तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. और ये कहता है कि देखिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है जर्नलिस्ट के पास, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास, सिटीजंस हैविंग इन द ईच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट टू रेस्पेक्ट सच फ्रीडम, ये इसके अंदर बताया जाता है. तो रैंकिंग क्या है? रैंकिंग 0 से 100 के बीच में रैंकिंग होती है. 100 का मतलब बेस्ट स्कोर, मस्त फ्रीडम दे रखी है प्रेस को, जो भी छापना है छाप दो. 100 का मतलब बेस्ट स्कोर होता है और 0 का मतलब वर्स्ट स्कोर यहाँ पर माना जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. और यहाँ पर देखा जाएगा एवोल्यूशन क्राइटेरिया इंक्लूड 5 इंडिकेटर्स. 5 इसके इंडिकेटर्स होते हैं: पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशो कल्चर कंटेक्स्ट एंड सेफ्टी. ये देखा जाता है कि भाई इनके बेसिस पे कि जर्नलिस्ट को कितना, प्रेस को कितना पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके अंदर, मतलब पॉलिटिकल कितना दबा रखा है. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके फ्रीडम के लिए. इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है कि पैसा ऐसा तो नहीं है कि भाई थैला लटका कर घूम रहे हैं. ठीक है कि पैसा वैसा तो है प्रेस के पास. ठीक है, कितना अच्छा प्रेस है, राइट. नेशनल प्रेस भी है कि इसके अंदर नहीं. सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी, इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है. ठीक है, इंडिया का पोजीशन पहले जो था रिसेंटली स्लिप 8 प्लेसेस टू 150 चला गया है. पहले 142 था. टोटल कितने सर? 180 लोग हैं, उनमें से हमारी रैंकिंग 150. कि हमारी प्रेस का बुरा हाल है, इस तरह से इसके अंदर बताया गया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. कौन है पहले पे? कौन है? नॉर्वे की प्रेस जो है ना बिल्कुल मस्त है ना. और डेनमार्क, स्वीडन, ये इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंट्री है. पहला कंट्री याद कर लो. नॉर्थ कोरिया लास्ट कंट्री है, 180 कंट्री. नॉर्थ कोरिया में प्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रेस को बम से बांध के उड़ा दिया जाता है नॉर्थ कोरिया के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 150 रैंकिंग है. ये आपको याद करना है. सर पाकिस्तान की कितनी? सर पाकिस्तान बच गया सर, फिर ठीक है पाकिस्तान. अरे भाई ये भी देख लो, भूटान की देखो 33, नेपाल की देखो 76, श्रीलंका की देखो 146. ये सब हमसे ऊपर है. समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. नेक्स्ट इज तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन. तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन क्या है, ये हमको इसके अंदर पढ़ना है. देखिए क्या हुआ कि केरला के अंदर सारी विमेन लेजिस्लेचर मतलब समझ तो जो भी मंत्री लोग हैं, ठीक है, विमेन के अंदर जो भी लेजिस्लेचर है, मतलब एमपी, एमएलए, ठीक है, मिनिस्टर्स, जो भी विमेन वाली है. ऐसे नहीं कि तुम उठ के चल, मतलब मैन उठकर चल जाए यहाँ पे कि मिनिस्टर्स के बात है चलो हम चल जाते हैं. नहीं, हर जगह नहीं घुसना. ये विमेन का किटी पार्टी है, इस तरह से समझो कि नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस हुई थी केरला के अंदर. ठीक है, केरला में तिरुवनंतपुरम है. ठीक है, केरला में थी और वहां पर एक डिक्लेरेशन इन्होंने करा कि हम 33% रिजर्वेशन वाला जो बिल है उसको पास करा के रहेंगे. ये डिक्लेरेशन करा कि 33% जो रिजर्वेशन है जो लोकसभा के अंदर बहुत सालों से पेंडिंग है, उसको 1996 से पेंडिंग है, उसको वापस से हमें उसको उसके लिए काम करना चाहिए. 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ये होना चाहिए, राइट. तो ये देखिए तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन सीक्स पैसेज ऑफ, इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन बिल को करें. द फर्स्ट नेशनल विमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ है तिरुवनंतपुरम के अंदर. पहली बार जो विमेन लेजिस्लेचर्स जो है वो मिलकर बैठी हैं ठीक है, इन केरला कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ द त्रिवंतपुरम डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको पूछा बताया आपको त्रिवंतपुरम डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज। तो इसमें जो रिजर्वेशन बिल है, लॉन पेंडिंग विमेंस रिजर्वेशन बिल है, 33% रिजर्वेशन की बात है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके लिए यहाँ पर बातचीत की गई है, बात और चीत की गई है ना। इस तरह से यहाँ पे डिक्लेरेशन करा गया है, राइट। इंडिया वाज रैंक्ड एट 140 आउट ऑफ 156। चलो ये तो पुराना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं अपन आज का क्लास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट का लिंक भी दे रखा है। पहला एमसीक्यू टेस्ट भी हमने कंडक्ट करवाया इसके अंदर, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज शेयर इट वाइडली, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि हम और सारे वीडियो बना सके। एक नए वीडियोस हम लेकर और आ रहे हैं कि जो भी ट्रिक्स वाली चीजें होंगी ना, उसको साथ में आपको एक वीडियोस देंगे, अभी उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी क्या होता है उसके अंदर, राइट। इस तरह से बहुत सारे इनोवेटिव मैनर के अंदर हमने आपको मैप भी पढ़ाए जैसे, ठीक है। मैप वाली क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसके साथ साथ मैंने आपको डिफरेंट डायमेंशन में चीजें लेकर आ रहे हैं हम, और आने वाले समय में और भी चीजें आएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आसियान के बारे में कल मैंने वीडियो डाला था, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, 10 मिनट्स में पूरा आसियान कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, कहीं ऐसा मिलेगा नहीं। तो वो सारे वीडियोस हम इसके अंदर डाले जा रहे हैं। इस चैनल को कनेक्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, बेल आइकन और जो भी होता है, ठीक है, उस पर क्लिक कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते पाए। इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि हम और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, आई होप